اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيسي هاني بودي؟ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं. अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे. अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए और अपने घरों में बादशाह रहें. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है अपनी बहन की, मेरे चैनल को पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें. नए आने वाले बेल के एंकर को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके. जो मेरे पहले दोस्त बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं. थोड़ा सा टाइम वॉच कट है वो भी प्लीज़ कर दें क्योंकि वीडियो ज़्यादा देखा करें, पूरी देखें तो इससे हमें टाइम वॉच मिलेगा, आप लोगों की मदद होगी, हमारी भी होगी. चलें वीडियो शुरू करते हैं. आज हम बनाएंगे कढ़ी. तो कढ़ी के लिए जो कुछ मैंने लिया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो यहाँ मैंने चार बड़े वाले चम्मच ले लिया है बेसन, एक टमाटर, दो प्याज काट लिए, लहसुन अदरक, कढ़ी पाउडर, ज़ीरा मसाला. ये ज़ीरा मसाला है, एक टेबलस्पून है नमक, एक खाने वाला चम्मच लहसुन का और दो टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च. ये कौड़ी वाली नहीं है, अगर आप लोग कौड़ी वाली डालना चाहते हैं तो वो डाल लें क्योंकि मैं कम ही डालूँगी. हाँ, खाने वाले इतनी नहीं खा सकते तो यहाँ ये सुरख मिर्च ली है. और ये योगर्ट है, दही. दही मैंने ली हैं चार डिबिया ली हैं. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कौन सी डिबिया हैं. तो यहाँ मैंने ये ली है डिबिया, ये है चार मैंने ली हैं, 150 ग्राम है इसके अंदर योगर्ट. तो ये मैंने चार ली हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें. यहाँ मैंने आलू लिए हैं, आलू मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं. इसका मैं बनाऊँगी पकौड़े जो इसके अंदर डलेगा. उसके लिए बेसन मैं अलहदा लूँगी. यहाँ मैं ऑयल डालूँगी थोड़ा सा मसाला भूनने के लिए. तो यहाँ डालेंगे लहसुन, प्याज, तो इसमें मैं एक कप पानी का डाला है. पानी डाल के अब मैं जो है बेसन वो डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे. गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए. ये मेरी एक सहेली है, मेरी बहन भी है बहुत अच्छी प्यारी, उसने फरमाइश की थी
ये कड़ी बनाई, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी सबके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं टमाटर डालूंगी, नमक, मिर्ची, कड़ी पाउडर, गरम मसाला, अभी इनको भूनेंगे, और अदरक। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी, मसाला अच्छी तरह भून जाए, नीचे मसाला ना लगे। मैंने थोड़ी सी कौड़ी जो है मेरे से वो कौड़ी मिर्ची डाल ली है, क्योंकि कड़ी जो है थोड़ी सी चपचपी हो तो वही अच्छी लगती है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया, क्योंकि गुठली ना बने। ये देखें कितना अच्छा हो गया। सॉरी वो मेरे पास नहीं था, बसार नहीं थी, तो हल्दी जो है वो मैंने नहीं डाली, तो मैंने देखा कि मेरी ख़त्म हो गई है तो मिली नहीं, तो मैं उसके बगैर बना रही हूँ। ये लोग कई किस्म की बनाते हैं, दूसरी तरह भी बनाते हैं, ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं ऊपर से नहीं, मैं नीचे ही लगाऊंगी। जैसे बकराची वाले बहार बहार क्या कहते हैं, बहार लगाएंगे। तो यहाँ हमारा मसाला बन गया, अब मैं ये इसके अंदर डालूंगी, ये जो मैंने मिक्सचर बना कर रखा था। पानी डालेंगे, इसको ऐसे ही पकाना जैसे हम दाल बनाते हैं। जितनी ये अच्छी बनेगी, जितनी पकाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, तकरीबन 4-5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं, ये ऐसा ऐसा पकेगी, जितनी ये पकेगी ज़्यादा उतनी मज़े की बनेगी। तो मैं चूल्हा ऐसा कर देती हूँ, इसको पकने देते हैं। तो पकौड़ों के लिए मैंने एक प्याज और 2-3 आलू काट लिए हैं, तो इसमें मैंने मिर्च डाली है। अब थोड़ा सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं, कम थोड़ा सा ही डालूँगी। यहाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ, जो डालूँगी मैं कड़ी में। तो यहाँ मैं ट्रेन के लिए थोड़ा सा लेमन डालूँ, फिर बार एक चम्मच के बाद मुझे अच्छी लगती है। यहाँ मैं मिर्चें डालूँगी और पकौड़े भी डाल देंगे। पाँच मिनट इसको पकाएंगे, 2-3 मिनट बस। तो चूल्हा मैं ऐसा कर दिया, तो फिर हमारी हमारी कड़ी और चावल तैयार हो गए हैं। मैंने चावल उबाले हैं, सफ़ेद चावल, और साथ कड़ी है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।